ओम शांति। ओम शांति। आई क्रिएट एंड मेंटेन अवेयरनेस। मैं स्मृति जागृत करती हूँ कि मुझे निर्माण रहना है और निर्मल शीतल रहना है। निर्माण निर्मल माना शीतल, और जहां निर्माणता है आई विल नॉट सिंग द सॉन्ग्स ऑफ माई ओन सक्सेस। जहां निर्माणता है वहां अपने ही गुणगान के गीत नहीं गाएंगे, दूसरे गाएंगे, लेकिन मुझे बाबा के गुणों के गीत गाने हैं, बाबा के गुण के गीत गाने हैं। जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं कर पा रही हूँ, बाबा के कारण कर पा रही हूँ। It is at confluence age. संगम युग पर ही new relationship with everyone. हर एक के साथ नए रिश्ते जोड़ती हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति में ईश्वरीय संतान के रूप में deity, divine. मैं दिव्य देवता बन रही हूँ। So to be loveful to for everyone. सबके स्नेही, सबके स्नेही बनने के और निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना रखते हुए be merciful. और अंत में रहम दिल बनना है। Everyone's receiving and becoming capacity is different. हर एक की बनने में और हर एक की क्षमता अलग अलग है। So just maintain good wishes. सिर्फ शुभ भावना रखी है। ओम शांति। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। सभी बच्चे फलक से कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं मेरा बाबा है, पिताजियों का बाबा है।
ओम शांति। निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। आज का विषय है सदा बाप के गुण गाओ। जो निर्माण चित्त निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम रखो। ओम शांति। ओम शांति।
शांति, वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज चौथा दिन है, निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। और आज का विषय सदा बाप के गुण गाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक हैं? सभी अच्छे हैं? हम सब आप सब के बारे में सोच रहे हैं। मुझे पता है इस वीकेंड में अपने रिट्रीट के लिए काफी लोग आप सब आ रहे हैं, और हमारे साथ बच्चे और माँ बाप भी हैं। उनका रिट्रीट आज रात को खत्म हो रहा है। कई बच्चे इतने खुश थे कि हम सब एक दूसरे को जूम पे देखते थे 3 साल तक, और अभी हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं, मिल सकते हैं, साथ में बैठ के खा सकते हैं। तो बहुत बहुत आनंद की बात है। So, anytime Baba says something, जब भी बाबा कुछ कहते हैं, थोड़े हम तुरंत कहेंगे हाँ मैं निर्माण हूँ, मेरा स्वभाव निर्मल है। स्वाभाविक रीति से हमको ये ऐसे सोचते हैं, नम्रचित। बाबा परम शिक्षक है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा चेक करो, अगर आप निर्माण चित है, निर्मल और काम है, तो आप सफल होंगे। लेकिन आप में सूक्ष्म अभिमान नहीं होगा, अपने सफलता का अभिमान नहीं होगा, और आप ऐसे ही अपने गुणगात, अपने गुण के गीत, गुणगान के गीत नहीं करेंगे। मैं ही हूँ जो अच्छे आइडिया देती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तो कभी अपने गुणगान स्वयं नहीं करेंगे। अगर स्व का ही गुणगान कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो नम्र आत्मा है वो ऐसे नहीं करेंगे। बल्कि वो क्या कहेंगे, बाबा कह रहे हैं बाकी दूसरे उनके गुणगान गाएंगे, लेकिन आपको परमात्म गुण के गीत गाने चाहिए। हर एक एक दूसरे की विशेषता देखें, अगर हम उनके काबिलियत को देखें, क्षमता को देखें, वो सब क्यों है, बाबा के कारण है, और वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान, क्योंकि उनकी अटेंशन कहाँ है, धारणा पर है। हम उदाहरण देते हैं, जब एक पेड़ फलों से भरपूर होता है, वो हमेशा झुकता है, फल से भरा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। अगर पेड़ में एक भी फल नहीं है, वो सीधा खड़ा रहता है। जितने गुण होंगे, तो हम सफलता के सितारे बन जाते हैं। जितने हम सफलता के सितारे बनते हैं, उस हद तक नम्र होने चाहिए।
ऐसे नहीं कि बाबा हमारे मदद कैसे कर रहे हैं, बाबा हमारे मदद कर रहे हैं, बाबा हमको शक्ति दे रहे हैं, तो किसके गुण गाएंगे हम अंदर में? आंतरिक में हम हमेशा बाबा के गुण गाते रहेंगे, क्योंकि उनसे मिल रहा है सब कुछ। और अभी हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? बाबा तीन विषय पर ध्यान खिंचवा रहे हैं जो हमें हमेशा करते रहना है। वो है, We have relationships since four ages, right? दीदी कह रहे हैं हम सब के रिश्ते चार युगों से हैं, सतयुग से, जहां एक सतयुग और त्रेता में कोई बंधन नहीं था। द्वापर युग की शुरुआत से देह अभिमान के कारण बंधन शुरू हुए, फिर विकार आते गए और हमारे कर्म बंधन बनते गए। तो संबंध आज के समय में बहुत बंधन युक्त है, बंधन से भरा हुआ है। तो जब चक्र का अंत होने वाला है और नई शुरुआत भी होने वाला है, जहां पर हमारे संबंध इतने निर्मल और बहुत अच्छे संबंध होंगे, सही संबंध होंगे, पर वो सब संबंध का निर्माण अभी संगम युग में होता है। ऐसे नहीं कि हम सतयुग में जाकर वहां पर हम अपने संबंध बनाएंगे, नहीं। Of soul, soul consciousness, relationship with each other as a soul. बाबा कह रहे हैं हमारे संबंध आत्मिक संबंध के होंगे। So we form a new relationship, spiritual. तो हम नए संबंध की रचना रचते हैं। भले हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, अलग अलग संबंध अदा कर रहे हैं कोई माँ का, लेकिन माँ अपनी ऐसी दृष्टि नहीं रखेगी बच्चे के ऊपर, मेरा बच्चा है, मेरा बाप, मेरा मेरी बेटी, ऐसा नहीं होगा। कई बार सोचते हैं बच्चों को पता नहीं चलता कुछ भी, लेकिन बट आप जब उनकी बातें सुनते हो फिर पता चलता है उनको सब कुछ पता है। इतना विवेक उनमें है, उनकी पवित्रता शुद्धता उनके अंदर है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जो भी अनुभव किया है वो संस्कार उनमें है। तो हम उनको आत्मिक रूप में देखते हैं, फिर आप जब उनको देखते हो या आप चाहते हैं कि वो आपको सुने, तो आत्मिक स्थिति में हम उनको देखें, फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब जैसे ही हम ये बोलते हैं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा आता है, तो वो देह अभिमान का संबंध हो जाता है। तो फिर रिएक्शन होगा, या विरोध करेंगे, या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो बहुत बहुत जरूरी है कि संगम युग पर हर एक के साथ आत्मिक संबंध हम बनाए रखें। तो हम ईश्वरीय परिवार बन जाते हैं, हम भाई बहन बन जाते हैं, हम आत्मा आत्मा भाई हैं। जब देह में है तो हम भाई बहन हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा सदा सबके साथ स्नेही बनो। आप कहेंगे कईयों के साथ आसान है, कईयों के साथ मुश्किल है, पर अभी हम नए संबंधों की रचना कर रहे हैं। उस आत्मा के स्वभाव को ना देखें, उसके संस्कार को ना देखें, उस
व्यक्ति को आत्मिक रूप में देखें तो बाबा कह रहे हैं नम्रता में हर जहां नम्रता होगी आप सर्व को स्नेह देंगे. कई वो स्नेह को स्वीकार करते हैं लेते हैं, कई फिर कंप्लेन करते हैं हमें तो कोई स्नेह देता नहीं मिलता, कहते हैं कि मुझे कोई स्नेह मिलता दूसरों को ज्यादा मिलता है, मुझे लगता नहीं है वो स्नेह की महसूसता नहीं होती है, तो क्या करें? तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं शुभ भावना रखो, शुभ भावना रखो, आप देना बंद नहीं करना, आप देते रहो, शुभ भावनाएं देते रहो. जहां शुभ भावनाएं हैं वहां मार्ग साफ होता जाएगा, निर्विघ्न बनते जाएंगे. तो शुभ भावना बनाए रखिए. कई आत्माएं मुझे कॉल करके बताते हैं कि मैं एक साल से कर रही हूँ, दो साल से करती हूँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. क्या मैं छोड़ दूँ? मैं रोक दूँ शुभ भावना रखना देना? क्या करें? तो बाबा कह रहे हैं फिर रहम दिल रख बनो, रहम रखो, रहम करो. तो स्नेह और शुभ भावना तो करते ही रहना है, पर उसके साथ रहम दिल बन के रहना है. क्योंकि अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ मुश्किलात हैं तो वो मुश्किलात कहीं भी होगा, क्योंकि दिल से आप चाहते हैं उस आत्मा की मदद करें, और वो तभी संभव है जब हम रहम दिल होंगे. तो मुझे ये बहुत पसंद आया जो बाबा कह रहे हैं, तो स्नेह दो, शुद्ध भावना रखो और रहम दिल बनो, रहम रखो. ये नहीं कि हम सिर्फ अच्छे संबंध की रचना करेंगे, लेकिन अच्छे संबंधों के साथ अच्छे कर्म भी बनेंगे फिर. क्योंकि हमें पता नहीं उस आत्मा को कुछ मुश्किलात होगी या कुछ पिछले संस्कार होंगे, और वो सचमुच उस आत्मा की सेवा करना है. मुझे सचमुच लगता है कि जब हम बाबा के ये तीन डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो ना हम दिल शिकस्त होंगे, ना गुस्सा आएगा, ना हम निराश होंगे. आप कभी नहीं कहेंगे कि अभी से हम नहीं करने वाले, अभी तो हम स्नेही नहीं बनेंगे, ऐसे बोल नहीं निकलेंगे. और समय के अनुसार आप महसूस भी करते हैं कि परिस्थितियों के प्रति हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो फर्क पड़ता जाता है. तुरंत कुछ न कुछ इमर्ज होगा, स्नेह या शुभ भावना या रहम उत्पन्न होगा. पूरे दिन हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, संस्कारों का टक्कर या कुछ, मुझे ये लगता है कि उनको ज्यादा स्नेह चाहिए. शुभ भावना काम करेगा, स्नेह काम करेगा. अगर वो नहीं होता तो रहम रखो. पर अपना स्वभाव ऐसे नहीं कि अपना अभिमान इमर्ज हो, हमारा गुस्सा इमर्ज हो, या हम फोर्सफुली कुछ कार्य करें, तो इसका मतलब क्या है? निर्मल निर्माण रहे और सम्मान दे. हमारे बोल अच्छे हों. ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया सभी बच्चों के साथ.
तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप बाबा के पास आए हो, बाबा आपको पतित से पावन बनाते हैं, शुद्ध से शुद्ध बनाते हैं, बाबा हमें एक कमल फूल समान बनाते हैं, बाबा कोई बच्चों को छोड़ नहीं देते। हमने दादी जानकी का उदाहरण देखा, जो जैसा भी हो तो दादी कहती थी वो आत्मा जहां भी जाए मुझे उन्हें स्नेह देना है। हम कहते थे दादी कहीं इतने साल वो परिवर्तन ही नहीं होते। पहली बार जब दादी कहते थे अरे आप क्यों बोल रहे हो, वो मेरा और उस आत्मा के बीच का है। सडनली अचानक आत्माएं आ जाती थी और दादी से लेते थे। तो बहने कहते थे दादी अभी आपको बंद करना है ये, तो दादी कहते थे मैं नहीं बंद करने वाली देना। फिर वो उदाहरण देते थे पानी हो वायु हो या सूरज हो, वो रुकता नहीं, वो बहता रहता है। गंगा बहती रहती है, हवा बहता रहता है, सारी प्रकृति देने वाली है, हर तत्व प्रकृति का हर तत्व देता है और सब कुछ उनके कारण बहुत सुंदर बन जाता है। तो तीसरा वर्ड शब्द जो बाबा ने बोला, जो ये निर्माण, जो निर्माणता हो रहा है, जो शांति की निर्माणता होगी है, तो वो सत्युग की निर्माणता करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है और उसके साथ साथ मुझे दाता भी बनना है और औरों को मदद करना है ऐसे बनने में। हमें आश नहीं छोड़ना है, बहुत स्नेही बनना है, बहुत केयर करना है और रहम दिल। आंतरिक में हर कोई चाहता है परिवर्तन हो, ये कमजोरी निकल जाए, पर कोई कर नहीं पा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ज्ञान को गुण में कैसे परिवर्तन करें, गुण को शक्ति में कैसे परिवर्तन करें। तो हमें मदद करना है ना, यही तो सही सच्ची सेवा है, पर बहुत गुप्त सेवा है। तो ये तीन गुण बुद्धि में रखे और कल ये होमवर्क उठाए, हमारे नम्रता को हम देखें, निर्मन और निर्मल हो हमारा स्वभाव। ओम शांति, ओम शांति व्यक्ति परिवार, ओम शांति व्यक्ति परिवार। अभी कल बुधवार है और हमारा अमृत वेले से स्केड्यूल सेम रहेगा, 3:30 से 4:45, फिर बच्चों का मुरली क्लास होगा 5 से 5:30 और मेडिटेशन 6 बजे होगा, उसके बाद हिंदी सीरीज होगा, दीदी का मेडिटेशन कमेंट्री, इंग्लिश सीरीज और अव्यक्ति यात्रा होगा। आपको याद दिला दे हर दिन अमृत वेला विशेष साउथ अमेरिकन कंट्री आयोजित कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका वाले, और बहुत अच्छा अनुभव होता है साथ इकट्ठे रहना। तो आप सबका भी मौका है ज्वाइन करने, अभी 3 दिन ही बाकी है हमारे अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट के लिए, तो अभी भी आखिरी मौका है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर रजिस्टर कीजिए, व्यक्ति परिवार के फरिश्ते ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आप नजदीक हैं या दूर से आ रहे हैं तो जरूर आ सकते हैं। जो भी अव्यक्ति परिवार के सेशंस अटेंड कर रहे थे वो अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिट्रीट है, ये शुक्रवार 7 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई को खत्म होगा। अभी हम योग करेंगे बाबा की याद में और दीदी हमें दृष्टि देंगे, फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली करेंगे रिवीजन, वो सब, फिर
कमेंट्री होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। तो अभी दीदी से दृष्टि लेते हैं पहले हम। From 1969. शांति अव्यक्त मुरली का रिविजन है तो फरिश्तों के दिल से। ओम शांति, दिस इज द अव्यक्त मुरली। शांति, ये अव्यक्त मुरली है मार्च 13, 1971 की। बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित आधार मूरत ही सर्व आत्माओं के आधार मूरत बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वो कौन से दो शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में दो एक दो का आवाज कैच कर सकते हैं, ऐसे कोई एक के संकल्प में क्या है वो भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द है, एक साक्षी है और दूसरा साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिकल में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना, इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग व सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस भारी ये अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप माना टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित है। समझा? टीचर्स है ही निमित बने हुए, तो उन्हों को ये संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित मात्र हैं। ये तो सहज होगा ना। माना गोपों को, गोप लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ती की हटाने की। बाकी जो है ही निमित बने हुए तो उनों के लिए सहज है। आप माना माताओं के लिए फिर सहज क्या है? जैसे उनों को इस विश्व विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रकृति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है इसलिए सहज नहीं भासता है।
एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कॉन्ट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी न आए, ऐसा पक्का निश्चय। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारण की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूर वीर रूप का साक्षात्कार किया है? शूर वीर कभी किस से घबराते नहीं, लेकिन शूर वीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूर वीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो दो शब्द सुनावे वह सदैव याद रखना। अच्छा, ओम शांति। सो नाउ फिनिश बीइंग सबसर्वियंट एंड बिगिन टू क्लेम द राइट। यू मस्ट नेवर हैव द थॉट ऑफ बीइंग सबसर्वियंट। डू यू हैव सच फर्म फेथ? There cannot be a percentage in faith. What dharana did the Shakti army bring about within themselves? When your love and power are equal, you will have become complete anyway. Have you had a vision of your courageous form? A courageous soul is never afraid of anyone. But those who come in front of a courageous soul are afraid. So now, constantly keep the vision you had of being courageous in front of you. And also constantly remember the two words you were told today. Acha. Om Shanti. With the feeling of being an instrument and being humble, construct the new world. Always sing the Father's praise. Those who are humble and have a cool nature never have the arrogance of their own success. They never mention it nor sing songs about themselves. Others will sing their songs, but they themselves will always sing the Father's praise. Therefore, no matter what others are like,
You just give them love from your heart. Give them good wishes and have mercy for them. निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। सदा बाप के गुण गाओ। जो नम्र चित्त निर्मल स्वभाव वाले हैं उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। ओम शांति।